वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमा शंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे कि लेक्चरर की जो भर्ती होने वाली है उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया का डिटेल्स यहाँ पर शिक्षा विभाग के द्वारा जारी, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो मुख्य जो पृष्ठ है, जो 432 जो पोस्ट आई हुई है व्याख्याता के, तो उसकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होगी, परिणाम जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर लिखा गया है कि सीधी भर्ती 2023 के ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के संदर्भ में मार्गदर्शिका के संलग्न प्रारूप पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। और ये आप देखेंगे आगे आदेशानुसार इस मार्गदर्शिका का व्यापक प्रचार प्रसार हेतु समाचार पत्र, नोटिस, बोर्ड तथा विभाग की वेबसाइट पर किया जाना सुनिश्चित करें। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसमें काउंसलिंग प्रक्रिया एक्चुअली में होने कैसे वाली है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया। तो ऑनलाइन जो काउंसलिंग प्रक्रिया जो होगी वो कैसे होगी वो देख लेते हैं। जैसे आप देखे होंगे बीएड की जो काउंसलिंग प्रक्रिया होती है, तो उसी के ये में अभी ये जो काउंसलिंग जो प्रक्रिया है वो होने वाली है। तो यहाँ पर क्या क्या बताया गया है, कितने पॉइंट में जानकारी दी गई है और कौन कौन सी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी और क्या आपके लिए लॉस हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला पॉइंट देखेंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया, काउंसलिंग प्रारंभ होने की सूचना जो है आपको ये एजुकेशन पोर्टल डॉट सी जी डॉट एन आई सी स्कूल शिक्षा विभाग की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी मिल जाएगी आपको, साथ ही आपको समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी जाएगी। आगे हम देखें यहाँ पर सेकेंड नंबर पॉइंट में, तो यहाँ पर यह बताया गया है कि इसके साथ ही ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया व्यापम की मेरिट अनुसार सूची एजू पोर्टल डॉट एन आई सी डॉट इन स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। मतलब ये है कि यहाँ पर जितने लोगों का, जैसे काउंसलिंग प्रक्रिया में जितने लोगों को क्या करना है, जैसे 1 से 1000 रैंक वालों को काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए बुलाना है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है व्यापम की मेरिट अनुसार सूची जो है वो किस में जारी की जाएगी, इजू पोर्टल डॉट सी जी डॉट एन आई सी डॉट इन पर जारी की जाएगी। और यहाँ पर ये कहा गया है, आगे आप देखेंगे चिप्स द्वारा यथासंभव उनके मोबाइल नंबर पर भी व्यापम फॉर्म के अनुसार क्या किया जाएगा, जो नंबर आपने व्यापम फॉर्म में आपने डाले होंगे वहाँ पर SMS के माध्यम भी से भी आपको सूचना इसकी दी जाएगी। अब देखते हैं तीसरा जो पॉइंट है, ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने की प्रक्रिया निम्नानुसार होंगी। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर पॉइंट सुझाए गए हैं जिसके अनुसार से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया जो है संपन्न होगी। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑनलाइन काउंसलिंग के पूर्व सभी अभ्यर्थियों को व्यापम पोर्टल पर बनाए गए अपने प्रोफाइल आधार वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। मतलब अगर आपने व्यापम के साइट पर क्या किया है, व्यापम के पोर्टल पर आपने क्या किए हैं, अपना रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, अपना प्रोफाइल क्रिएट किए हुए हैं, तो वहां पर अपना आधार वेरिफिकेशन जरूर कीजिएगा। आधार वेरिफिकेशन के वीडियो मैंने डाला हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मैं दे दूंगा, वैसे आप कर सकते हैं। वैसे दो तरीके से आप आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं, एक बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू कर सकते हैं और एक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू आप अपना ये आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, अभ्यर्थी व्यापम पोर्टल पर बनाए गए अपने आईडी पासवर्ड से लोक शिक्षण संचालनालय के ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे। तो व्यापम पोर्टल पर बनाए गए जो आईडी है, पासवर्ड है, पासवर्ड से लोक शिक्षण संचालनालय के ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे। ये दोनों चीज़ें क्या करेंगे, ये इजू पोर्टल पर भी डाल दिया जाएगा, वहां से भी आप काउंसलिंग कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट आप व्यापम के पोर्टल पर अपना जो यूज़र आईडी है और पासवर्ड है वहां से आप क्या कर सकेंगे, लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन करने पर स्क्रीन पर डैशबोर्ड दिखेगा, यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है, डैशबोर्ड दिखेगा। जैसा आप देखे होंगे, जैसे आप व्यापम की साइट खोलते हैं जो होम पेज होता है, वैसी टाइप का आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा जिसमें अभ्यर्थी द्वारा दिए गए भर्ती परीक्षाओं, सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता की जानकारी यहाँ पर दी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम व्याख्याता पद की जो है ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ की जाएगी। केवल प्रारंभिक रूप से चयनित अभ्यर्थी ही ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। मतलब ये है कि जैसे मेरिट सूची जैसे जारी की जाएगी,
मेरिट सूची के अनुसार एक सूची जारी की जाएगी और सूची में जिनका नाम ही होगा वही लोग इस काउंसलिंग प्रक्रिया में अभी भाग ले पाएंगे। चलिए आगे हम देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर साइन इन करने पर दस्तावेज सत्यापन का राउंड, प्रिफेरेंस फिलिंग विंडो, यहाँ पर प्रिफेरेंस स्टेटस एक्शन प्रदर्शित होगा। मतलब ये जो है आपका राउंड दिखाएगा, फिर उसके बाद प्रेफरेंस फिलिंग विंडो दिखाई देगा, प्रेफरेंस स्टेटस दिखाई देगा और फिर एक्शन प्रदर्शित होगा। राउंड का आशय दस्तावेज सत्यापन का चरण, प्रेफरेंस फिलिंग विंडोज में ऑनलाइन काउंसलिंग खुले रहने की अवधि, प्रेफरेंस स्टेटस में अभ्यर्थी द्वारा अब तक चयन किए गए शालाओं की सूची होगी। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देने के लिए क्या किया जाएगा, आपका स्कूल का नाम क्या किया जाएगा दिया होगा और उसी स्कूल के नाम से आपको क्या करना है, सूची दी होगी और उसी में से आपको क्या करना है, स्कूल का नाम आपको अपने आपको प्रिफेरेंस देना है, चूज करना है, चयन करना होगा तथा एक्शन में जाकर, यहाँ पर लिखा हुआ एक्शन में जाकर अभ्यर्थी अपने पसंद की शालाओं का चयन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल का नाम दिया रहेगा, स्कूल के नाम दिया रहेगा, उसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं, स्कूल के नाम को चयन करेंगे। आगे देखते हैं, चयन करने की अगर प्रक्रिया आपने कर लिया तो आगे क्या बताया गया है, एक्शन में फील्ड प्रेफरेंस में एंटर करने पर अभ्यर्थी के स्क्रीन पर दूसरा विंडो खुलेगा जिसमें अभ्यर्थी का फोटो, प्रोफाइल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, प्राप्तांक आदि की जानकारी प्रदर्शित होगी। इस पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपने प्रिफेरेंस एंटर करने पर शालाओं की जो सूची है वो सारा चीज़ आप वो कर लेंगे, सेट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना प्रोफाइल में जाएंगे तो इसमें क्या कहा गया, अभ्यर्थी की जो फोटो है, प्रोफाइल आईडी है, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, प्राप्तांक आदि की जानकारी प्रदर्शित होगी। इसके नीचे दिए गए दो बॉक्स में से प्रथम बॉक्स सेलेक्ट योर प्रायोरिटी के अंतर्गत जिला एवं ब्लॉक का नाम तथा पदांकन हेतु उपलब्ध विद्यालयों की सूची। मतलब यहाँ पर स्पष्ट है कि पहले तो आपको जिला चूज करने को आएगा और जिला चूज करने के बाद ब्लॉक का नाम तथा पदांकन हेतु उपलब्ध विद्यालयों की सूची उपलब्ध होगी। मतलब सारी चीज, जैसे आप रायपुर जिले को चूज करते हैं, रायपुर जिले में कितने पोस्ट हैं, तो अगर 5 पोस्ट 10 पोस्ट है तो कौन से ब्लॉक आप चूज करते हो, उस ब्लॉक में कितने पोस्ट हैं, अगर 2 पोस्ट है उस ब्लॉक में, रायपुर जिले के अंतर्गत अगर हम बात करें तो 10 पोस्ट है, 10 में से 1 ब्लॉक में अगर आप चूज करते हैं, अभनपुर आरंग चूज कर लेते हैं सपोज, आरंग में अगर 4 पोस्ट है तो 4 पोस्ट है तो उस स्कूल की सूची वहां पर उपलब्ध होगी, तो वहां से आपको स्कूल चूज करने को मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है अंतर्गत जिला एवं ब्लॉक का नाम तथा पदांकन हेतु उपलब्ध विद्यालयों की सूची उपलब्ध होगी। इस सूची से अभ्यर्थी अपने मन अपने पसंद की शालाओं को चयन करेंगे जो द्वितीय बॉक्स में योर सेलेक्टेड प्रायोरिटीज के अंतर्गत प्रदर्शित होगा। तो द्वितीय बॉक्स में आपने जो सेलेक्ट किए रहेंगे उसकी सूची आपको प्रदर्शित हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर अभ्यर्थी योर सेलेक्टेड प्रायोरिटीज में सूचीबद्ध शालाओं की सूची में शालाओं का क्रम अपनी पसंद अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे सेम आपने अगर बीएड किए हैं और बीएड किए होंगे तो उसमें आपने प्रायोरिटी फॉर्म जो भरते हैं कॉलेज के लिए, सेम उसी टाइप का हम जिले का चयन करते हैं, जिले में कौन कौन से कॉलेज होता था सेम उसी टाइप का है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जिला चूज करना है, ब्लॉक चूज करना है और उस ब्लॉक में कितने स्कूल है उसको सूचीबद्ध पहले कर लें और सूचीबद्ध करने के बाद उसको आप क्रम से आप क्या कर सकते हैं, जमा सकते हैं, पहला नंबर क्रम, दूसरा नंबर क्रम में किसको रखना चाहते हैं, तीसरा में किसको रखना चाहते हैं। तो ये करने के बाद क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आगे देखें, अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि वह सेलेक्ट योर प्रायोरिटी में दी गई शालाओं की सूची में अधिकतम या समस्त शालाओं को चयनित करें। यदि अभ्यर्थी द्वारा कुछ विद्यालयों का चयन नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थी द्वारा चयनित विद्यालयों के अगले क्रम के चयन में शेष रह गई स्कूलों को सॉफ्टवेयर द्वारा पोर्टल में दर्शित सूची अनुसार क्रमशः स्वतः आवंटित कर दिया जाएगा। यहाँ पर थोड़ा चेंजेस है, जैसे हम देखते हैं कि काउंसलिंग जो होती है बीएड के में, तो हम अगर 5 कॉलेज को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अगर हमारा नंबर, अगर हमारा रैंक अच्छा होता है, अगर इस 5 कॉलेज के लायक होता है तो इस 5 कॉलेज में से हमारा कोई एक कॉलेज अलॉट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा है कि अगर पोस्ट कितने हैं, 50 पोस्ट है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, अगर आपने इसमें से 10 आपने वो कर दिए, प्रिफेरेंस दे दिए, 10 स्कूल का आपने प्रिफेरेंस भरे हैं, बाकी 40 का प्रिफेरेंस आप नहीं भर पाए हैं, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, ये 10 के बाद 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां ऐसा करके ये पूरे 50 जो स्कूल है
उसका चयन ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप देख पाएंगे। उदाहरण के लिए यदि सूची में कुल 50 स्कूल दर्शित किए गए अभ्यर्थी के द्वारा अपनी पसंद की 10 स्कूल का चयन किया गया है, तो सूची में शेष रह गई सैलम। मतलब अगर आपको 10 ही पोस्ट है और 10 पोस्ट में से आपने सिर्फ 2 स्कूल का चयन किया है, बाकी 8 स्कूल का चयन नहीं किया है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा सॉफ्टवेयर के थ्रू, ये इसके नीचे जस्ट ये पहला और दूसरा आपने चूज किया है, तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां तक ये ऑटोमेटिक चयन हो जाएगा। चलिए आगे बात करें। यहाँ पर अगले विंडो पर अभ्यर्थी का विवरण सहित तो उसके द्वारा चयनित शालाओं की सूची प्रदर्शित होगी, जिसमें प्रायोरिटी अपडेटेड ऑन अंकित होगा। अभ्यर्थी अपने चयनित शालाओं की सूची प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, और जरूर इसको प्रिंट आउट लेके रखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो जिस टाइम में आप काउंसलिंग वगैरह में जाते हैं। उस टाइम में काउंसलिंग के अंतिम दिवस के पूर्व अभ्यर्थी अपनी चयनित विकल्पों में, जैसा आप काउंसलिंग जब होता है बीएड का, तो उसमें भी आप बदल सकते हैं। जब तक लिस्ट जारी नहीं होती है तब तक आप क्या कर सकते हैं, उसमें अपडेट कर सकते हैं। तो सेम वही विकल्प यहाँ पर भी दिया गया है। उसके बाद अंतिम दिवस पोर्टल स्वतः लॉक हो जाएगा, तो लॉक होने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर लॉगिन नहीं करता है तथा अपने चयन हेतु शालाओं को प्राथमिकता क्रम प्रदान नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उसे स्वतः यादृच्छिक रूप से रेंडमली स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। ये भी अच्छी बात है कि अगर आप कहीं भूलवश नहीं काउंसलिंग कर पाते हैं, काउंसलिंग प्रक्रिया में आप शामिल नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या किया जा रहा है, काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको शामिल कर दिया जा रहा है, ऑटोमेटिक आपको क्या कर दिया जाएगा, रेंडमली स्कूल, जैसे 10 स्कूल है तो 10 ही स्कूल जो है, 10 स्कूल के लिए आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो सिस्टम है ये सही है। बाकी आगे और देखते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। चौथा नंबर पॉइंट यहाँ पर दिखा हुआ है, तो काउंसलिंग प्रक्रिया, तो सारा चीज आपको समझ में आ गया। काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद क्या होता है, जैसे आपने फॉर्म वगैरह भर लिए, फॉर्म के बाद क्या होता है ये आगे देखते हैं। काउंसलिंग के प्रथम चरण पूर्ण होने पर अभ्यर्थी के लॉगिन पर विद्यालय आवंटन प्रदर्शित होगा, जिसमें उसे आवंटित स्कूल का नाम, यूडाइस, जिला एवं ब्लॉक का नाम अंकित होगा। अभ्यर्थी को इस आवंटन को स्वीकार करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। अब ये जो चीजें हैं, यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर आप अपात्र हैं, अगर आप अपात्र हैं फिर भी से आपको क्या हो रहा है, क्योंकि आपका डीवी नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उसके बाद भी आपको स्कूल अलाट कर दिया, तो ये एक जो जो पात्र अभ्यर्थी है उसके लिए कहना चाहिए एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि जिनका जो जो पात्र व्यक्ति है उनको ये सारा चीज होना चाहिए था, लेकिन ये अपात्र व्यक्ति को भी स्कूल आवंटित हो जा रहा है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ना कि सारे लोग इस आवंटन प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, ऐसा है। तो ये काउंसलिंग जो होना चाहिए था वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद काउंसलिंग जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होना चाहिए था, ना कि ये डॉक्यूमेंट से पहले काउंसलिंग करा दे रहे हैं। और डॉक्यूमेंट से पहले काउंसलिंग करा दे रहे हैं मतलब आप समझ रहे हैं कि उनको स्कूल आवंटित हो जा रहा है। स्कूल आवंटित होने के बाद ही यहाँ आगे क्या होता है वो देख लेते हैं। आवंटन स्वीकार करने पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रण पत्र प्रदर्शित होगा, जिसका अभ्यर्थी प्रिंट आउट ले सकेंगे। इस पत्र में दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम तिथि तथा स्थल जहां उपस्थित होना है का विवरण दर्ज रहेगा। दस्तावेज सत्यापन कार्यालयीन समय दिवस में किया जाएगा। अब देखिए कि आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में आपने भाग लिया है, अब दस्तावेज सत्यापन हो रहा है जब आपको स्कूल आवंटन हो जा रहा है, जबकि स्कूल आवंटन कब होना चाहिए, जब आप दस्तावेज सत्यापन करते हैं तब, तो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेते हैं तब ये जो है स्कूल आवंटन होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि पात्र पात्र जो लिस्ट है यहाँ पर जारी नहीं होने वाले है। पात्र पात्र लिस्ट की बात जब आती है तो हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर व्याख्याता पद के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी, आप जानते हैं कि व्याख्याता के लिए जो संचालक लोक शिक्षण संचालनाएं, शिक्षक पद के लिए नियुक्तिकर्ता जो होता है वो संबंधित संभागीय और संयुक्त संचालक होता है, जेडी, और सहायक शिक्षक के लिए नियुक्तिकर्ता जो होता है संबंधित जिला अधिकारी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। अभ्यर्थी निर्धारित समय अवधि में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना दस्तावेज सत्यापन करा लेंगे। पात्र पात्र की जानकारी जो है सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा भरी जाएगी एवं अपलोड किया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी अपने लॉगिन पर देख सकते हैं। मतलब पात्र है या अपात्र है, अगर आपको पता चल गया तो अच्छी बात है। जिस टाइम में आप डीवी कराते हैं उस टाइम में आपके डॉक्यूमेंट में अगर लिख दिया जाता है आपको पता चल जाता है, वैसे बताया नहीं जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि
इसकी जानकारी आपको कब होगी, जब आप फिर से लॉग इन करेंगे, जब सब कहा जाएगा कि पात्र पात्र जो लिस्ट है वो उनके लॉग इन आईडी पर डाल दिया गया है तो वो देख सकेंगे, तो वहीं पर आपको ये पात्र और अपात्र जो स्टूडेंट पात्र है कि अपात्र है वो वहीं से पता चलेगा। मतलब ये बिना पात्र पात्र लिस्ट निकाले ही फिर से क्या होगा, भर्ती कराया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है, जो पात्र अभ्यर्थी है उसके लिए दिक्कत वाली बात है, अपात्र अभ्यर्थी भी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। आगे बात करते हैं, जो अभ्यर्थी अपात्र होंगे उनका अपात्रता संबंधी पत्र सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्रिंट होगा, जिसमें अपात्र होने का कारण दर्शाएगा। तो ये जो सारी चीजें जो है ये पहले होना चाहिए था, जो चीजें पहले होना चाहिए था वो सबसे लास्ट में हो रहा है, तो ये दिक्कत वाली बात है। और पात्र अपात्र जो लिस्ट है उसके लिए पिछली बार भी काफी वो हुआ था कि बिना पात्र पात्र लिस्ट की भर्ती हुई थी, और पहली बार था कि कोई भी जो भर्ती है वो बिना पात्र पात्र लिस्ट के, पिछली बार जो है 2019 जो शिक्षक भर्ती जो प्रक्रिया हुई है वो उसमें हुआ था। तो सेम जो चीजें हैं यहाँ भी दोहराई जा रही है। अपात्र अभ्यर्थी चाहे तो अपात्र होने के लिए क्या कर सकते हैं, अपात्र होने के 7 दिवस के भीतर अपना दावा आपत्ति संचालक महोदय के पास प्रस्तुत कर सकते हैं कि मैं ये मेरा डिटेल्स है और मैं अपात्र नहीं हुआ, मुझे पात्र किया जाए, इस टाइप का वो एक लेटर दे के और सारा डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज के साथ में वो जमा कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 10वां नंबर देखिएगा, जो अभ्यर्थी पात्र होंगे उन्हें पत्र दिया जाएगा जिसमें उल्लेखित होगा कि आपका दस्तावेज सत्यापन कर लिया गया है, इसके पश्चात पुलिस वेरिफिकेशन अगली प्रक्रिया की जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस है आपकी जो काउंसलिंग जो प्रक्रिया होने वाली है, और काउंसलिंग जो प्रक्रिया होने वाली है ना कहीं ये काउंसलिंग प्रक्रिया का जो प्रोसेस है उसके प्रोसेस में बदलाव किया जाना चाहिए, और बदलाव करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है यहाँ पर जो पात्र अभ्यर्थी हो उसको, और बदलाव नहीं करेंगे तो अपात्र व्यक्ति भी अंदर आने की जो संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। दूसरी बात, जो अपात्र व्यक्ति है उसको स्कूल अलाट कर दे रहे हैं, स्कूल अलाट ना करके क्या किया जाए, पहले पात्र अपात्र जैसे डीवी पहले कराया जाए, डीवी के बाद काउंसलिंग कराया जाए, क्योंकि जो पात्र अभ्यर्थी उन्हीं को डायरेक्ट स्कूल दिया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा हो सकता था, ना कि जो यहाँ पर काउंसलिंग जो जो प्रोसेस दिया हुआ है वो सही है मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है जरूर हमें कमेंट कर बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट कर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।